सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है टेक मोडली चैनल पे। और इससे पहले की वीडियोस में हमने देखा था कि एम्प्लॉई सेक्शन के अंदर, एम्प्लॉई ऐप के अंदर हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस किए हुए थे, थोड़े से बाकी थे, तो आज हम उनको एक्सप्लोर करने वाले हैं। और ये है एम्प्लॉई वूडू 17 का पार्ट 2। ओके, तो हम वूडू 17 पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई ऐप के अंदर काम कर रहे हैं, और उसके अंदर हम देखने वाले हैं कुछ बचे हुए कॉन्फ़िगरेशंस। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हम कैसे डेटा ऐड करेंगे, राइट? तो उस वक्त हमारे पास बहुत सारे कम डेटा थे। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे डेटा मैंने ऐड करे हुए हैं। नेम रैंडम है, ईमेल भी रैंडम है, फ़ोन नंबर भी रैंडम है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई अगर लेआउट देख रहे हो और आपको उस पर क्वेश्चन है कि नहीं ये ऐसे नहीं होता है। ऑफकोर्स नहीं हो सकता है या हो भी सकता है, मुझे नहीं पता। मुझे जितना इसमें लगा मैंने वैसे किया है, और ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है, तो इसमें कमियाँ निकालने की कोई मतलब है नहीं, ठीक है? आपको एक आइडिया मिल जाएगा, हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस प्रैक्टिस के लिए हम कैसे भी ऐड कर सकते हैं। बाकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हम डिफाइन नहीं करते हैं, वो ऑलरेडी लोग बैठे हैं जो डिफाइन करते हैं। ओके, हमें यहाँ पे सिर्फ आइडिया लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास डिपार्टमेंट है वो सेल्स है, आईटी सर्विस है, एग्जीक्यूटिव है, अकाउंट्स है। अकाउंट्स में हमारे पास 11 लोग हैं, सेल्स में 11 लोग हैं, आईटी सर्विस में 3 लोग हैं, और एग्जीक्यूटिव में 3 लोग हैं, ठीक है? तो जब आप एग्जीक्यूटिव पे क्लिक करेंगे तो CTO, CFO, CEO, ये तीनों एग्जीक्यूटिव्स है। और आईटी सर्विस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर, डोवल शर्मा, एलिस कुमार, ऐसे है, ठीक है? सेल्स में सारे सेल्स वाले बंदे, और अकाउंट्स में सारे अकाउंट्स वाले बंदे। तो ये सारे हमारे पास डेटा है, ठीक है? डिपार्टमेंट हमारे पास 4 है। ऑल पे आप क्लिक करते हैं तो आपको सब मिलते हैं, ठीक है? और इसके व्यू करने के तरीके बहुत सारे हैं। जैसे हम इस पर क्लिक कर सकते हैं, और हम इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? हम इस पर क्लिक करके इनका देख सकते हैं कि अप्रैल में हमारे पास कितना अकाउंट था, और यहाँ पे हम इनको चेक कर सकते हैं कि मंथ वाइज हमने कितने लोगों को ऐड करा हुआ है, ठीक है? तो वो सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं लग रही है, क्योंकि उससे हमारा ज़्यादा काम नहीं है। हमारा काम है एम्प्लॉई सेक्शन पे कॉन्फ़िगरेशन करना। आप इस पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ डिटेल्स मिलेंगे यहाँ पे। ये पोजीशंस है, डिपार्टमेंट है, वर्क फोन है, वर्क ईमेल है, मैनेजर और कोच, ठीक है? वर्क इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, HR सेटिंग, ये दोनों मैंने अभी तक फिल नहीं किया है क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है नहीं। वर्क इन्फॉर्मेशन हमने किए हुए हैं, और साइड में आप इसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देख सकते हैं कि इनके जो मैनेजर है वो कौन होंगे और इनके नीचे कौन काम कर रहा होगा, ठीक है? तो अप एंड डाउन हम सब देख सकते हैं, ठीक है? इनके अंडर में 3 लोग आते हैं, एलिस, डोवल और एडमिनिस्ट्रेटर, और ये रिपोर्ट करते हैं तन्या शर्मा जो कि CEO हैं, और उनके अंडर में 27 लोग हैं इनको इंक्लूडिंग। सो इनके नीचे जो भी होंगे वो इनके नीचे भी आएंगे, और इनके नीचे इसके अलावा भी लोग हैं, ठीक है? तो वो हम ऑर्ग चार्ट में फॉलो करके चेक कर सकते हैं। तो ऑर्ग चार्ट आप यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हैं, और यहाँ देख सकते हैं कि तन्या शर्मा यहाँ के CEO हैं, और इनके अंडर में आदित्य सिंह, उज्जैन कुमार, उज्ज्वल कुमार और बृंदा शर्मा, CFO, CTO, सीनियर सेल्स मैनेजर, सीनियर अकाउंट्स मैनेजर, मैंने ऐसे ही रखे हैं। अब इसको थोड़ा फॉर्मेट में कीजिएगा। और आदित्य सिंह के अंडर में एलिस कुमार हैं जो कि सीनियर IT मैनेजर हैं, और एलिस के अंदर डोवल शर्मा है, और डोवल शर्मा के अंदर में एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है? तो ये स्टेप बाय स्टेप हायरार्की हो गया। और यहाँ पे मनोज कुमार हैं सेल्स मैनेजर, और उनके अंदर में इतने सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, और ठीक वैसे ही उज्ज्वल कुमार के अंदर मोहन कुमार हैं अकाउंट्स मैनेजर, और उनके अंदर इतने सारे अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है? तो ये हमने डेमो पर्पस के लिए लिया, और हमें ऑर्ग चार्ट भी मिल रहा है बना बनाया हुआ, ठीक है? और हमें एम्प्लॉय भी ऐड करना आया, ठीक है? अब भी जो क्वेश्चन है कि मैंने आपको बोला था कि हम इम्पोर्ट रिकॉर्ड करके कैसे ऐड करेंगे इनको, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी डेटा तो एडेड है, राइट? हम इनको एक चीज़ करेंगे, हम इनको यहाँ पे सबसे पहले एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, आप लिस्ट वाले व्यू पे जाएंगे, एम्प्लॉय नेम पे क्लिक करेंगे और सबको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट, तो हमें प्रिंट नहीं करना है, हमें एक्शन पे जाना है, और एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा सबसे पहले, तो हमें इसको एक्सपोर्ट करना है। जितने फील्ड्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं हमें उतने ही चाहिए, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं चाहिए होंगे, तो हम यहाँ इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। अदर फील्ड आपको चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है? वर्क ईमेल आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जो चीज़ें ऑलरेडी एडेड होंगी उनका प्लस आइकन ग्रे आउट होगा, वो आप ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, और वो कुछ इस तरह से सेव होगा। सेव पे क्लिक कर दिए, ठीक है? और ये ऑलरेडी सेव हो चुका है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं एम्प्लॉय, HR एम्प्लॉय, जिसका टाइम स्टैम 16:46 यानी कि 4:46 है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए तो ये एक्सेल कुछ इस तरीके से मिलता है, ठीक है? यहाँ पे हेडिंग रहती है, और यहाँ पे कंपनी, यहाँ पे डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नेम, जॉब पोजीशन, मैनेजर, और भी
डिटेल्स लाइक वर्क एड्रेस, वर्क ईमेल, ओके, और यहाँ पे वर्क फॉर्म, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न में हम इसी को एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो हम इसको यहाँ पे कट कर देते हैं, डोंट सेव कर देते हैं, ठीक है। और हमारा ये वाला फाइल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, पहले इन सारे डेटा को डिलीट कर देंगे, ठीक है। लेट्स सी, 28 सेलेक्टेड डेटा है हमारे पास, हम इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए मैसेज बहुत खूबसूरत आता है, बाय बाय रिकॉर्ड, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड्स, डिलीट। और यहाँ पे हमने सारे डेटा डिलीट कर दिए हैं, हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। तो हमें डिपार्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमें इम्पोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट का तो ऑप्शन आएगा नहीं, अब इम्पोर्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन आएगा, और दिया भी है तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि अगर आपके पास टेम्पलेट नहीं है तो इम्पोर्ट टेम्पलेट फॉर एम्प्लॉई आप क्लिक करके टेम्पलेट इम्पोर्ट कर सकते हैं, और उसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ के डेटा भर के फिर उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं अपलोड फाइल करूँगा, और ये वाला फाइल है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे देखिए सारे डेटा मैप हो चुके हैं अपने अपने कॉलम से, और मैं यहाँ पे इम्पोर्ट पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ आएंगे जैसे कि प्रिवेंट इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो इसको मैं क्रिएट न्यू वैल्यूज़ कर दूँगा, ठीक है, और उसके बाद मैं फिर से इसको इम्पोर्ट करूँगा, तो क्या होगा कि जो डेटा हमारे पास नहीं है वो फिर से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो डुप्लीकेट्स डेटा हैं उनको हम डिलीट कर देंगे, जैसे ये वाला और ये वाला, ये कोचेस के नाम है और वो वैसे ही आ गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं पे कुछ इश्यू हो गया है इसकी वजह से, ठीक है। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी, और इसको भी, जिसमें भी ईमेल नहीं है मैं उन सबको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वो डेटा दोबारा यानी कि डुप्लीकेट्स है, ठीक है। मैं इसमें जाके इसको डिलीट कर देता हूँ, और फिर से इसको सेलेक्ट करूँगा, और आप देख सकते हैं 28 ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है। तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, और अभी आप ऑर्ग चार्ट पे जाइए और देखिए आपको पूरा डेटा वैसा मिल रहा है ना ही मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखिए कुछ इश्यूज हुए होंगे, जब आप यहाँ पे जाते हैं तो जितने भी मैनेजर्स के नेम थे वो डिसलेक्ट हो चुके हैं, राइट। तो वो एक इशू है जो मुझे यहाँ तक अभी तक मिला है, मुझे उसका जानकारी नहीं है कि हम उसको कैसे रिजोल्व करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे मैन्युअली ऐड करना आपको बताता हूँ, और वो आसान है, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जितने भी अकाउंट्स हैं उनके मैनेजर हमें पता है, ठीक है, सीनियर अकाउंट मैनेजर को छोड़ के। तो यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स वाले हैं हम उनका क्या करते हैं कि उनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसमें मोहन कुमार को हम डिसलेक्ट कर देंगे क्योंकि वो मैनेजर हैं, और इनके पोजीशंस पे यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इनको आप मैप कर सकते हैं मोहन कुमार से, और यहाँ पे मैं मोहन कुमार डाल दूंगा। यहाँ पे मोहन कुमार डालने के बाद जो भी हमने सेलेक्ट किया है उसका ऑप्शन आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू परफॉर्म द फॉलोइंग अपडेट ऑन दिस 9 रिकॉर्ड्स, यस कन्फर्म करते हैं, ठीक है। अब अकाउंट्स मैनेजर को ऐड करना है तो उनको तो अलग से ऐड करना पड़ेगा, तो वो है उज्जवल जो इनके रिपोर्टिंग मैनेजर है, ठीक है, हम इनको भी ऐड कर देंगे। फिर से आप एम्प्लॉय पे क्लिक कर लीजिएगा, लिस्ट व्यू में जाइएगा, और आप देख पाएंगे कि अकाउंट्स का तो हमने कंप्लीट कर दिया है, अभी हमें करना है सेल्स का। तो डिपार्टमेंट में एक बार क्लिक करिए और डेटा सॉर्ट होके आ जाता है, ठीक है, इसीलिए क्लिक किया जाता है। और उसके बाद बचे हैं सेल्स वाले लोग, तो सेल्स वालों को भी हम एक बार कर देते हैं, इनका मैनेजर फिल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे शिफ्ट क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं सारे, कंट्रोल क्लिक करके आप मल्टीपल सिलेक्ट करेंगे, जिसमें मैं इसको डिसलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास इसमें एक सेल्स मैनेजर भी है, तो इनको भी डिसलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम सेल्स मैनेजर का नाम डालेंगे जो कि है मनोज कुमार, तो मनोज कुमार डाल दिया और यहाँ पे हमने कंफर्म कर दिया, ठीक है। अब सेल्स मैनेजर के जो मैनेजर हैं हमें वो डालने हैं, तो ठीक वैसे ही सेलेक्ट करके आप इनका डाल सकते हैं उज्जैन, ओके। अगर नाम गलत होगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट करने का, ठीक है, और अगर सही होगा तो उनका नाम यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा। उज्जैन कुमार के जो रिपोर्टिंग मैनेजर हैं वो हैं तान्या, तो मैं यहाँ पे तान्या शर्मा कर देता हूँ, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में अगर कहीं मैं रॉन्ग हूँ तो माफ़ कीजिएगा, कभी कभी ऐसा मैं बोल देता हूँ, ओके। अभी हमारे पास इतने डेटा तो आ गए हैं, अभी हमारे पास कुछ ही डेटा हैं जिनके मैनेजर्स हमें फिल करने हैं। तो उज्ज्वल कुमार हैं जो अकाउंट से हैं, इनके जो सीनियर मैनेजर होंगे वो होंगे तान्या, राइट। तो इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे और इनको भी एडिट कर देंगे यहाँ पे, तान्या शर्मा। ये कि मिस्टेक तो हो रहा है, मतलब कहीं पे डेटा छूट गया था, लेकिन फिल करना उतना भी इसमें मुश्किल नहीं है। आप बहुत सारे इसमें फीचर्स मिलते हैं, यानी कि एक तरह का फीचर ही है जिसमें आप सेलेक्ट करके आप डायरेक्टली यहीं से इसको एडिट कर पा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इन दोनों का भी मैनेजर
यानी कि रिपोर्टिंग मैनेजर जिसको ये रिपोर्ट करेंगे, इनके टॉप वाले वो हम तानिया ही रखते हैं, ठीक है। तानिया शर्मा यहाँ पे भी हो गया, कंफर्म कर दिया, दोनों में फील हो गया। अब बच्चे ये लोग डोवल शर्मा एंड एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिनिस्ट्रेटर के जो मैनेजर हैं वो हैं डोवल शर्मा, ओके। एंड डोवल शर्मा के जो मैनेजर हैं वो है एलिस, ठीक है। नाम बहुत सारे कंफ्यूजिंग है, पर उसको आप ज़्यादा फोर्सफुली मत ले लेना, क्योंकि इन सब चीज़ों को हमें इग्नोर करना है, ठीक है। और आदित्य सिंह जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव है, सीटीओ हैं, वो है मैनेजर एलिस के, तो ठीक है, बाकी सब कुछ अच्छा दिख रहा है। अभी हम लिस्ट व्यू पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ ओके दिख रहा है। अभी हम एम्प्लॉय में जाएंगे, ऑर्ग चार्ट में जाएंगे, और यहाँ पे आप देखिए आपको ऑर्ग चार्ट पहले जैसा ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ थे कि आप कैसे एम्प्लॉयज़ को ऐड करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। रिपोर्टिंग में स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं, ऑफकोर्स यहाँ पे आपको एम्प्लॉय को स्किल्स बेस पे फिल्टर करना आ जाएगा। और कॉन्फ़िगरेशंस में देख लेते हैं, तो इनके सबसे पहले सेटिंग देखते हैं। सेटिंग वही है जो हमें डायरेक्ट वहाँ से मिलते हैं, सेटिंग वाले ऐप से, यहाँ से। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय अपना इन्फॉर्मेशन खुद से एडिट कर पाए, तो आपको ये इनेबल रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं इसको डिसेबल रखता हूँ। और इन सब के बारे में आप पता कीजिए, ये आपका टास्क है कि आपको ये सारी चीज़ें पता करनी है। उसके अलावा आप अगर सेटिंग में जाते हैं यहाँ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो डिपार्टमेंट पे चाहिए, इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अकाउंट है, अकाउंट्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्जीक्यूटिव है, आईटी सर्विसेज, सेल्स है। अच्छा, यहाँ पे देखिए गलती हुआ है, हमने अकाउंट भी किया है, अकाउंट्स भी किया है, ठीक है। तो हम अकाउंट को पहले डिलीट कर देते हैं, ठीक है, हम इसको डिलीट करेंगे, एक्शन में जाके डिलीट कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ एस का अंतर है, एक में एस है एक में नहीं है, और हमारे पास दो दो चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को हटा के आईटी सर्विस किया हुआ है, तो आप चाहे तो इसको रख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर कोडिंग आप दे सकते हैं, बाकी एम्प्लॉयज़ के नंबर आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। उसके अलावा वर्क लोकेशन पे जाते हैं, और वर्क लोकेशन पे आपको इमेजेस मिलते हैं होम, ऑफिस और रिमोट, इस तरह के दर्शाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा वर्किंग शेड्यूल, तो अगर आपको दूसरे वर्किंग शेड्यूल रखने हैं तो आप यहाँ पे न्यू क्लिक करके डाल सकते हैं, लाइक स्टैंडर्ड 45 आवर या 50 आवर पर वीक, जैसा भी आपका अपना पॉलिसी है। तो आप इसमें कुछ क्रिएट कीजिए और उसको असाइन कीजिए हर एम्प्लॉय को अलग अलग, ओके। इसके अलावा आपके पास डिपार्चर रीज़न है, लाइक फायर हुए, रिजाइन हुए, रिटायर हुए हैं, क्यों उनको आप मतलब हटा रहे हैं, राइट। तो वो सारे रीजन्स भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, अपना खुद का भी बना सकते हैं न्यू पे क्लिक करके, और इनको असाइन भी कर सकते हैं। उसके अलावा स्किल टाइप पे जाइए, और लैंग्वेज के अलावा भी बहुत सारे स्किल टाइप्स होते हैं, तो आप भी उनको ऐड कीजिए, ठीक है। जॉब पोजीशंस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोजीशंस यहाँ पे है ऑलरेडी, जो कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्लॉयज़ के, हर एम्प्लॉयज़ के लिए सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो सारे पोजीशंस यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। आप चाहें तो इनमें डिपार्टमेंट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेल्स मैनेजर का डिपार्टमेंट हमेशा सेल्स होगा, अकाउंट्स का हमेशा अकाउंट्स होगा, ठीक है। तो उस तरह से डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे शो करता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एम्प्लॉयमेंट टाइप पे भी जा सकते हैं, और यहाँ पे परमानेंट, टेम्पररी, सीजनल, फुल टाइम। तो जब आप एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करते हैं तो आपको इतने ही ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहते हैं कि कुछ और ऑप्शन भी मिले, तो आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके बना सकते हैं। तो जब किसी भी एम्प्लॉय को आप जाते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप में, यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे इंटर्न रखना है, तो इंटर्न मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो वो मैं यहाँ पे आके एम्प्लॉय टाइप्स में क्रिएट कर दूँगा, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे बैजेस, चैलेंजेस, गोल हिस्ट्री, ये सब चेक कर सकते हैं। एक्टिविटी प्लानिंग, ऑनबोर्डिंग, ऑफबोर्डिंग, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं और असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको एम्प्लॉय सेक्शन अच्छे से समझ आया है। कुछ चीज़ें आपको मैंने नहीं बताया या उस पर मेरा ध्यान नहीं गया है, तो अगर आपको वो जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज़ हम एम्प्लॉय ऐप को यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, मोस्ट ऑफ़ द थिंग्स कंप्लीट कर चुके हैं। आप इसको जाइए, ट्राई कीजिए, अलग अलग डेटा बनाइए। और ख़ास बात ये कि मैं ये टेम्पलेट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, नीचे दिए गए लिंक पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ट्राई कीजिए इम्पोर्ट करने का। और इम्पोर्ट करने के बाद अगर मैनेजर्स उनके सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप उनको मैनुअली सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और हो पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर प्रैक्टिस कीजिए तभी चीज़ें समझ आएंगी, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि आप उतना सीख पाएंगे, क्योंकि मेरे एफर्ट का मतलब तभी निकलेगा जब आपको वो चीज़ें समझ आएंगे। और अगर कहीं पे मैंने कोई गलती की है या फिर कहीं पे कोई चीज़ छूट गई है तो वो मुझे बिल्कुल बताइए, ताकि मैं अगले वीडियोस में उसको इम्प्रूव कर सकूं और आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।